अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स ऑफ वन क्लास। स्टूडेंट्स, आज आपको मैं बताऊंगी कि आपने रजिस्टर्स पे घर बैठकर कैसे काम करना है। तो अपने फर्स्ट पेज को देखें, यहाँ लिखा है स्टूडेंट, यहाँ आपने अपना नेम लिखना है। देन है फादर, यहाँ अपने फादर का नेम लिखना है। देन आपने अपनी क्लास मैंशन करनी है, जैसा कि ये रजिस्टर फर्स्ट क्लास का है। अगे नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ आपने डेट मेंशन करनी है जिस दिन आपने ये काम करना है, और ये जो कॉलम्स हैं ये आपके टीचर्स फिल करेंगे। रीड करें, से अच्छी तरह याद करें और खूबसूरत करके लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, हिंसी गिनती है हमारे पास, ये है हमारे पास लफ्जी गिनती। आपने इसे पहले अच्छी तरह से याद करना है, देन आपने खूबसूरत राइटिंग में यहाँ लिखना है। लेकिन आपने पहले इसे अच्छी तरह से याद करना है, फिर आपने इसे राइट करना है। नेक्स्ट पेज भी हम अपने प्रीवियस पेज की तरह करेंगे। पहले आपने इसे अच्छी तरह से याद करना है, फिर इसे लिखना है खूबसूरत राइटिंग में यहाँ इधर से देखकर। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास है लर्न एंड राइट इन ब्यूटीफुल राइटिंग। याद करें और लिखें खूबसूरत राइटिंग में। यहाँ हमें उन्होंने दी है काउंटिंग इन नंबर्स, नंबर्स में ये काउंटिंग है हमारे पास। देन देखें काउंटिंग इन वर्ड्स, ये काउंटिंग हमारे पास वर्ड्स में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे अच्छी तरह से लर्न करना है, नंबर्स में भी और इन वर्ड्स में भी। देन आपने इधर खूबसूरत राइटिंग में लिखना है, यहाँ काउंटिंग इन नंबर्स यानी कि ये, और यहाँ आपने काउंटिंग इन वर्ड्स, वर्ड्स में काउंटिंग लिखनी है। नेक्स्ट इसी तरह आपने जैसे प्रीवियस पेज करना है, ये भी वैसे ही करना है। पहले आपने इसे लर्न करना है, फिर इसे राइट करना। ये भी पेज वैसे ही है, हमारी जो है काउंटिंग इन नंबर्स एंड काउंटिंग इन वर्ड्स चल रही है ऑनवर्ड्स 100 तक। ऐसे ही आपने इसे पहले याद करना है, फिर इसे यहाँ खूबसूरत राइटिंग में लिखना। अब यहाँ देखें, ये भी हमारे पास वही पेज है काउंटिंग इन नंबर्स एंड काउंटिंग इन वर्ड्स। आपने पहले इसे लर्न करना है, फिर यहाँ खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। यहाँ जो है हमारी काउंटिंग इन नंबर्स एंड वर्ड्स कंप्लीट हो जाती है। 100 तक आपने काउंटिंग इन नंबर्स एंड काउंटिंग इन वर्ड्स लर्न करनी है, देन इसे खूबसूरत राइटिंग में यहाँ लिखना है। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, हमारे पास है लर्न टेबल ऑफ जीरो। जीरो का टेबल आपने पहले लर्न करना है, अच्छी तरह से इसे याद करना है, अपनी अम्मी जान को सुनाना है, फिर इसे इधर खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास लर्न टेबल ऑफ वन। वन का टेबल भी आपने जैसे जीरो का टेबल याद करना है, वैसे ही इसे लर्न करना है, अम्मी जान को सुनाना है, फिर इसे खूबसूरत राइटिंग में यहाँ लिखना है। इस स्टेटमेंट ने भी हमें बता दिया है कि यहाँ इसे राइट करना है, राइट टेबल ऑफ वन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर डिजिट्स। डिजिट्स जो हैं वो क्या हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है। डिजिट्स कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये क्या है, 0 एक डिजिट है, 1 क्या है, 1 इज आल्सो अ डिजिट, 2 इज आल्सो, 3 इज आल्सो एंड सो। ये डिजिट्स आपने यहाँ से देखकर यहाँ खूबसूरत राइटिंग में राइट करने हैं, इन सारी लाइंस में यही डिजिट्स आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है, डिजिट्स आर आल्सो कॉल्ड नंबर्स। डिजिट्स को हम नंबर्स भी कहते हैं, जैसा कि 0 एक डिजिट है और ये एक नंबर भी है, 1 एक डिजिट है, ये एक नंबर भी है। आपने ऐसे ही ने नीचे लिखना है, डिजिट्स आर आल्सो कॉल्ड नंबर्स। इस लाइन में आप लिखेंगे, डिजिट्स आर आल्सो कॉल्ड नंबर्स। अगेन एंड अगेन आप इसे राइट करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास 0 इज वन डिजिट नंबर, यहाँ हमें बताया है कि कितने डिजिट नंबर है। 1 देखें, 1 भी क्या है, 1 डिजिट नंबर है। यहाँ से आपने इसे रीड करना है, अच्छी तरह से इसे समझना है, देन यहाँ आपने इसे राइट करना है। 0 लिखा है, 0 कौन सा डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर। 1 कौन सा डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर, ठीक है। ऐसे ही देखें, यहाँ तो सारे 1 डिजिट्स नंबर हैं, यहाँ देखें 2 डिजिट्स नंबर, 10 इज अ 2 डिजिट्स नंबर। ये क्या थे हमारे पास, 1 डिजिट नंबर, और 10 क्या है, 10 इज अ 2 डिजिट्स नंबर। यहाँ आप अगेन इसे खूबसूरत राइटिंग में लिखेंगे। आगे देखें, हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर भी है, 4 डिजिट्स नंबर भी है, और 5 डिजिट्स नंबर भी है। नेक्स्ट देखें, मैच दीज, हमारे पास जो नंबर हैं उन्हें हमने मैच करना है। जैसे ये नंबर है तो देखें ये कितने डिजिट्स नंबर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इसे हम मैच करेंगे 5 डिजिट्स नंबर से। ये देखें कितने डिजिट्स नंबर है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 डिजिट्स नंबर। इस तरह आप सारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल्स नेम, हमें जो है ये सिंबल्स दी हैं, देन जो है हमें नेम्स उनके बताए गए हैं, आपने इन्हें पहले अच्छी तरह से लर्न करना है, देन आपने यहाँ सिंबल्स लिखनी है, फिर आपने यहाँ उनके नेम्स लिखनी है। यहाँ आप लिखेंगे राइट एनी 4 1 डिजिट नंबर, आपने क्या करने हैं, 4 जो हैं वो 1 डिजिट नंबर लिखने हैं, ठीक है। 4 1 डिजिट नंबर्स लिखने हैं। यहाँ आप लिखेंगे राइट एनी 4 3 डिजिट्स नंबर, यहाँ आपने 3 डिजिट्स नंबर लिखने हैं, और यहाँ आप लिखेंगे राइट एनी 4 5 डिजिट्स नंबर, यहाँ आपने 5 डिजिट्स नंबर लिखने हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, पीछे हमने सिंबल्स और उनके नेम्स पढ़े थे, यहाँ भी देखें ये सिंबल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो हमें उनके नेम्स बताए गए हैं, आप इन्हें पहले लर्न करेंगे, देन आप इन्हें इधर सिंबल्स को खूबसूरत राइटिंग में लिखेंगे, और फिर सिंबल्स के नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट द मिसिंग नंबर्स, आपने मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। 1 1 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास, 2 2, आगे 3 जो है वो ऑलरेडी लिखा है, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास, 4, ठीक है। इसे नंबर भी कह सकते हैं और डिजिट भी, इसी तरह ऑनवर्ड आपने ये सारा सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास नेम्स हैं और आगे जो हैं इनकी सिंबल्स हमने राइट करने हैं। सब्ट्रैक्शन की सिंबल आपको पता है, आपने प्रीवियस पेजेस में वो लर्न की हैं, तो ये आपने सब्ट्रैक्शन है तो इसके आगे सब्ट्रैक्शन की सिंबल लिखनी है। यहाँ जो है हमें सिंबल्स दी गई हैं और इनके नेम्स लिखने हैं। जैसे ये कौन सी सिंबल है, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द सम्स ऑफ एडिशन, एडिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। टेंस में हमने टेंस को ऐड करना है, वंस में हमने वंस को ऐड करना है, ठीक है। देखें वंस में हमने वंस को ऐड करना है, अगर यहाँ टेंस में कुछ दिया होता तो फिर हम टेंस में टेंस को ऐड करते। 5 में हम 3 ऐड करेंगे, लेट करें आपके पास 5 पेंसिल्स हैं, उसमें 3 और ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, यहाँ जो है हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शंस के सवाल करने हैं। तो ये देखें हमारे पास है 7 7, अगर आपके पास पेंसिल्स हैं तो अगर मैं कहूँ उनमें से 2 पेंसिल्स मुझे दे दें, देन आपके पास कितनी बच जाएंगी, 5। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व द सम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशंस के सवाल जो हैं वो हल करें। 0 का टेबल 0 तक पढ़ें तो क्या आंसर आएगा, वो आपने यहाँ राइट करना है। 3 का टेबल 3 तक पढ़ें, 3 3 इज़ 9, ठीक है। आपने 3 का
का टेबल 3 तक पड़ा तो क्या आंसर आया 9। इसी तरह आपने ये सारे सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन और इज इक्वल टू। हमने जो है ये सिंबल्स हमें दी हैं इस ग्रेटर देन की लेस देन की, जैसा कि हम अपने प्रीवियस पेजेस में ये पढ़ चुके हैं, और इस इक्वल टू की कि उसके अकॉर्डिंग जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल करना। तो देखें आप लेट कर लें, ये क्रोकोडाइल है तो वो किन चीज़ों की तरफ अपना मुंह जो है वो ओपन करता है, बिग ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो देखें यहाँ 19 जो है वो बड़ा है ये 3, डेफिनेटली 19 है, तो क्रोकोडाइल किस साइड पे अपना मुंह जो है वो ओपन करेगा 19 की तरफ। तो ऐसे आपने ये जो है ये सिंबल्स को यूज़ करके ये ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। जो सेम नंबर्स हैं दोनों साइड्स पे वहाँ आप लगाएंगे इज इक्वल टू, इस सिंबल को वहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स। ऑब्जेक्ट्स ये चीज़ें हमें उन्होंने कुछ दी हैं और उन्हें कहा है काउंट करें देन यहाँ राइट करें। काउंट करते हैं चलिए स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4। यहाँ आपने क्या राइट करना है 4, क्योंकि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये 4। इसी तरह ऑनवर्ड्स आप खुद ही इसे सॉल्व करोगे। आगे नेक्स्ट जो है वो हमें शेप्स दी हैं और उनके हमने नेम्स लिखने हैं, जैसे आके आपने पीछे भी ये शेप्स पढ़ी हैं, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ऐसे ही आपने ये शेप्स जो हैं वो देखनी है और इनके नेम्स यहाँ खूबसूरत राइटिंग में राइट करनी है। नेक्स्ट जो है हमारा मैथ्स का काम कंप्लीट हो गया, अब हम साइंस का काम करते हैं। यूनिट 1 है द ह्यूमन बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपने अपने जिस्म के हिस्से लिखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास ईयर, आई, नेक, नोज, लेग, बैक, माउथ, हैंड, हेयर, आर्म, हेड, फिंगर। राइट एनी 10 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपने अपने जिस्म के 10 जो है वो हिस्सों के नाम लिखने हैं। पहले तो आप इन्हें याद करेंगे फिर यहाँ खूबसूरत राइटिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन एंड बेबीज। आप पहले से याद करेंगे फिर इसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स देखें आपकी आसानी के लिए आपको सॉल्यूशन भी साथ ही दे दिया गया है, आप इजीली इसे पहले याद करेंगे फिर इसे राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जानदार चीज़ें कौन सी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, क्रो, कैट। ये आप पहले याद करेंगे देन आप इधर राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिस्ट ऑफ फूड्स, ये लिस्ट दी गई है डिफरेंट फूड्स की, आपने ये याद करना है और फिर यहाँ लिखनी है। नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास कार, हैट, हाउस, टॉय, नाइफ, ग्लास। नॉन लिविंग थिंग्स आपने पहले याद करनी है, ये बेजान चीज़ें हैं, ठीक है, जो सांस नहीं लेती, जो ग्रो नहीं करती, इन्हें आपने देन इधर खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। अब हम अपने MCQs करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू सी यूज टू होल्ड अ पेंसिल, आप अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा पेंसिल को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को आता है, फर्स्ट है हमारे पास फिंगर्स, टोज, नेल्स, एल्बोज। क्या हम यूज करते हैं फिंगर्स। व्हाट डज अ किटन ग्रो इनटू, किटन जो है वो बड़ा होकर क्या बनता है, बॉय, गर्ल, डॉग और कैट, कैट। हाउ मैनी थम्स डू ह्यूमंस हैव, इंसान जो है उनके कितने थम होते हैं, 1, 2, 3 या 4, 2। विच ऑफ दीज इज अ लिविंग थिंग, इनमें से कौन सी लिविंग थिंग है, देखें, बाईसाइकिल, हैट, क्रो, पेंसिल। तो इनमें से लिविंग थिंग कौन सी है हमारे पास, क्रो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन इंसानी जिस्म का हिस्सा नहीं है, हेड, नेक, टेल, बैक, टेल। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 2 द सेंसेस। सेंसेस जो है स्टूडेंट्स हमें पता है हमारी
साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। आपने पहले इन्हें याद करना है, फिर इधर खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। राइट बिलो नीचे लिखें योर फेवरेट, जो आपकी पसंदीदा है, ट्रेस आंसर्स फ्रॉम योर बुक। अपनी बुक से भी आप इनके जवाब जो हैं वो ट्रेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। फूड टू टेस्ट, टेस्ट करने के लिए कोई खुराक। थिंग टू टच, कोई भी चीज़ टच करने के लिए। थिंग टू स्मेल, साउंड टू हियर, थिंग्स टू सी। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द कॉलम। वी सी विथ, हम किसके साथ देखते हैं, आइज। वी टेस्ट विथ, टेस्ट किसके साथ करते हैं, जुबान के साथ, टंग। वी हेयर विथ ईयर्स, वी राइट विथ हैंड्स, वी स्मेल विथ नोज। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड दिस पीपल आर कॉल्ड, ट्रेस आंसर फ्रॉम योर बुक। ये जो लोग हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अपनी बुक से भी आप इसका जवाब ले सकते हो। अ पर्सन हु कांट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड, ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता उसे हम कहते हैं अंधा। अ पर्सन हु कांट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे हम कहते हैं गूंगा, डीफ। अ पर्सन हु कांट हियर, जो सुन नहीं सकता उसे भी हम कहते हैं डीफ, यानी कि बहरा। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं और इन्हें हमने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। आई कैन डैश द स्टार्स, मैं सितारे देख सकता हूँ। आई कैन सी स्टार्स, को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, इन्हें टेस्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें स्मेल नहीं किया जा सकता। सेकेंड है हमारे पास आई कैन डैश द टीचर स्पीकिंग, मैं टीचर जो बोलता है वो सुन सकती हूँ या सकता हूँ। हे आई डैश हॉट इन सनलाइट, फील, मैं महसूस कर सकता हूँ सूरज की गर्मी। आई कैन डैश आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है वो टेस्ट की जाती है, टेस्ट। आई कैन डैश द फ्लावर्स, फ्लावर्स को क्या किया जाता है, स्मेल किया जाता है। आई कैन स्मेल द फ्लावर्स। यूनिट 3 है हमारे पास हेल्दी हैबिट्स। व्हाट डू वी नीड टू लाइव, इसे लीव नहीं पढ़ना स्टूडेंट्स, क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है, लाइव, जिंदा रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। वी नीड फूड टू लाइव, जिंदा रहने के लिए हमें खुराक की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स आपने पहले इसे याद करना है, देन 3 times इसे राइट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास What does food give us? खुराक हमें क्या देती है? Food gives us energy and keeps us healthy. हमें जो है वो ताकत देती है, एनर्जी देती है और हमें सेहतमंद रखती है खुराक। अगर हम खुराक नहीं खाएंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम डे बाई डे बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। अगेन नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपने अगेन एंड अगेन यहाँ लिखने हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ये आंसर है, इसे पहले आपने याद करना है फिर आपने यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू ह्यूमन बीइंग्स नीड टू वर्क, इंसानों को काम के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बीइंग्स नीड एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए ह्यूमंस को एनर्जी की ज़रूरत होती है। पहले आप इसे याद करेंगे फिर यहाँ खूबसूरत राइटिंग में लिखेंगे। ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, इसी को आपने दोबारा यहाँ 2 times लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट डज अ कार नीड टू मेक इट वर्क, कार को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अ कार नीड्स फ्यूल टू मेक इट वर्क, इसे काम करने के लिए तेल की ज़रूरत होती है। जैसे इंसान को काम करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह कार को काम करने के लिए तेल की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स आपने इसे पहले याद करना है फिर 3 times इसका आंसर यहाँ राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, हमारे लिए एनर्जी का क्या जरिया है। फूड खुराक है, फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, हमारे लिए फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, खुराक जो है वो हमारे लिए एनर्जी का जरिया है। ये आपने अगेन एंड अगेन यहाँ इसके आंसर राइट करना है।
राइट यूजेस आर फ्रेश फूड, यहाँ आपने फ्रेश फूड जो ताज़ा खुराक है उसके इस्तेमाल लिखने हैं। फ्रेश फूड हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फ्रेश फूड जो ताज़ा खुराक है वो मदद करती है हमारी मजबूती से बढ़ने और सेहतमंद होने में। ये आपने यहाँ जो है पहले से याद करना है, देन इसे यहाँ राइट करना है अगेन एंड अगेन 3 times। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम फूड्स डेट कम फ्रॉम प्लांट्स। कुछ फूड्स आपने लिखनी हैं जो हम पौधों से हासिल करते हैं। दीज फूड्स वो खुराक कौन सी हैं, सच एज फ्रूट्स हैं, फल वेजिटेबल्स सब्जियां, सीरियल्स सीरियल्स मीन अनाज एंड ग्रेन्स ग्रेन्स मीन आल्सो अनाज कम फ्रॉम प्लांट्स। हम जो है वो प्लांट से पौधों से ये चीज़ें हासिल करते हैं। कौन कौन सी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल्स एंड ग्रेन्स। आपने इसे पहले याद करना है, फिर इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ 3 times लिखना है। राइट सम फूड्स डेट कम फ्रॉम एनिमल्स। कुछ ऐसी फूड्स लिखनी हैं जो हम एनिमल से हासिल करते हैं, वो कौन सी हैं। पहले हमने पढ़ा जो हम प्लांट्स से हासिल करते हैं, अब हम देखते हैं एनिमल्स से हम कौन सी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। दीज फूड्स सच एज मिल्क मीट एंड एग्स कम फ्रॉम एनिमल्स। दूध गोश्त और अंडे जो हैं वो हम जानवरों से हासिल करते हैं। इसे आप पहले याद करेंगे, फिर इधर खूबसूरत राइटिंग में लिखेंगे। राइट सम हेल्दी फूड्स, चंद जो हैं वो सेहतमंदाना खुराक जो हैं वो लिखें। कौन कौन सी हैं वो, फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स सीरियल्स ग्रेन्स मिल्क मीट एंड एग्स। ये जो हैं हेल्दी फूड्स हैं, इन्हें आपने पहले याद करना है, फिर यहाँ खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। स्टूडेंट्स, आज हमने अपने साइंस के और मैथ्स का जो है वो कंप्लीट हमने डिस्कस किया है, और साइंस के जो हमने 3 chapters आज डिस्कस किए हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।